कृषि उपज एवं फल सब्जी मंडी के नीलामी चबूतरे अब अतिक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। अब किसानों को अपनी उपज में ढेरी खुले में नहीं लगानी पड़ेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल के निर्देश के बाद मंडी प्रशासन ने नीलामी चबूतरे अतिक्रमण से मुक्त करवा दिए। सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राजेंद्र कुमार कविया ने मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों की उपज प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित नीलामी चबूतरे अतिक्रमण से मुक्त मिले। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में यहां दोबारा अतिक्रमण नहीं हो। इस दौरान उन्होंने मंडी में संचालित कैंटीन का भी निरीक्षण किया और किसान कलेवा के कूपनों की भी जांच की। जांच के दौरान कैंटीन में रेट लिस्ट लगी मिली एवं किसान कलेवा कूपन भी रजिस्ट्रेशन संख्या दर्ज थे। गौरतलब है कि 31 दिसंबर को अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने मंडी का निरीक्षण किया था और इस दौरान नीलामी चबूतरों पर व्यापारियों का अतिक्रमण मिलने और कैंटीन में रेट लिस्ट और किसान कलेवा के कूपन पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज नहीं होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मंडी सचिव को तत्काल प्रभाव से नीलामी प्लेटफॉर्म खाली करवाने व कैंटीन की हालात सुधारने के निर्देश दिए थे। कविया को निरीक्षण के दौरान एक किसान ने बताया कि वो पिछले 27 साल से मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए आता रहा है, लेकिन उसे हमेशा चबूतरों पर अतिक्रमण ही मिला और उसे अपनी उपज खुले में रखने को मजबूर होना पड़ रहा था। लेकिन पहली बार उसे अपनी उपज रखने के लिए स्थान उपलब्ध हुआ है। इस पर कविया ने समस्त किसानों को आश्वस्त किया कि अब उनके निर्धारित स्थान पर कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा और यदि कोई व्यापारी ऐसा करता है तो मंडी प्रशासन तुरंत उसका सामान वहां से हटा दे। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मंडी में सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण करने वाले दल से कहा कि वो सफाई के साथ ही किसानों को आवंटित चबूतरों पर अतिक्रमण नहीं हो इसका भी निरीक्षण करें। ACS महोदय द्वारा कृषि मंडी का निरीक्षण किया गया था। उसके दौरान ये पाया गया था कि वेरेंडाज में कुछ अतिक्रमण करके वहाँ पे अनधिकृत व्यक्तियों ने माल रख रखा है, तो उन्होंने निर्देश दिए थे कि वेरेंडाज को खाली करवाया जाए। उसकी अनुपालना में वेरेंडाज को खाली करवाया जा चुका है और आगे भी इसमें मंडी प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि सतत रूप से इसमें निगरानी रखे और दोबारा कोई अनधिकृत व्यक्ति मंडी के वेरेंडाज में अपना माल नहीं रखे और वो कृषकों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। सर, इसको लेकर अभी जिस तरह से कुछ किसान लोग ऐसे वो जता रहे आशंका कर, आज अगर साहब लोग आ गए हैं तो आज तो कुछ नहीं, वापस से एक व्यापारी लोग इन पे कब्जा कर लेंगे, तो इसको नियमित अंतराल में कोई मॉनिटरिंग के लिए नियमित के लिए है कि जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण साप्ताहिक रूप से करवाया जा रहा है 2-3 बार सर, तो इसमें मंडी कैंपस को भी इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें सतत निगरानी मंडी प्रशासन भी रखेगा और जिला प्रशासन द्वारा भी ध्यान रखा जाएगा कि दोबारा ऐसी स्थिति नहीं हो।